हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमित शाह ने जबरदस्त निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर, उनके बयानों पर। जिस तरह से राहुल गांधी और केजरीवाल ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, बीजेपी को घेरा था, इस पर उन्होंने जवाब दिए। लेकिन कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आई, सुनिए गिरिजा व्यास क्या कह रही है। जिस तरह के शब्द अमित शाह जी बोले वो उनको उचित नहीं लगते हैं हमें और उनको शोभा नहीं देते हैं। एक प्रेसिडेंट की हैसियत से राहुल जी का जो अर्थ था, उनको प्रेसिडेंट को उसके अर्थ को समझना चाहिए था। राजनीति तो कर ही रहे हैं, सामने दिख रहा है, और राजनीति इस सीमा तक कर रहे हैं कि जब यूपीए के टाइम पर 7 बार इस तरह के हुए थे और उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने सेना के ऊपर सेना की प्रस्तुति और सेना को सलाम करते हुए उसको समर्पित किया था, उसको समर्पित किया था, अपने ऊपर इस क्रेडिट को लेने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन बात सच या झूठ की नहीं है, बात इस बात को लेकर के है कि राजनीति हो रही है और राजनीति पर उनका कटाक्ष था। राहुल जी ने कोई गलत शब्द नहीं बोला, राहुल जी ने जो बोला था उसके शब्दों को न देखते हुए उसके भावार्थ को देखा जाए तो उन्होंने केवल उनकी राजनीति पर एक आक्षेप किया है, जो आक्षेप उचित है पूरी दृष्टि से। आज सारा देश इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंसार को लेकर के, सैन्य बल को लेकर के, हमारी सेना को लेकर के राजनीति कर रही है। तो गिरिजा व्यास यहां पर पलटवार करते हुए अमित शाह के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुके हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज।